नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। आपको बता दें कि चोर बदमाश लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। जिन बदमाशों के सामने पुलिस गांधी जी के तीन बंदरों की तरह बनकर रह गई है, क्योंकि वारदातें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला थाना परतापुर क्षेत्र का सामने आया है, जहाँ परतापुर थाना क्षेत्र के लिए देहरादून बाईपास स्थित ब्राउरा होटल के पास ऑस्ट्रेलिया रिटर्न NRI विनोद निवासी देहरादून अपनी पत्नी मीरा पुरी के साथ ऑस्ट्रेलिया से लौट रही अपनी बेटी को दिल्ली एयरपोर्ट लेने जा रहे थे। तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी कार रुकवा ली और कार में स्प्रे कर महिला से बैग छीन कर फरार हो गए, जिसमें एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, दो पासपोर्ट और लगभग 20,000 रुपए थे, जिनके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सूचना दी और बेटी को लेने एयरपोर्ट चले गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आयोजित आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है और उनके सामने पुलिस क्यों नाकाम नजर आ रही है। नाम है, क्या मामला हुआ? विनोद पुरी और बीना पुरी, वो दोनों मियां बीवी जो है देहरादून से आ रहे थे। देहरादून से आने पे दो बाइक सवारों ने उनको इशारा करके रुकवाया, जिसे पंचर हो रहा है कुछ हो रहा है। उन्होंने गाड़ी रोकी बेबरा होटल के सामने और उन्होंने एक स्प्रे उनके शीशे जैसे उन्होंने खोला तो स्प्रे मार दिया, दिखना बंद हो गया उनको सब कुछ और पर्स लेके फरार हो गए। पर्स में उनके पासपोर्ट थे और चैन रखी थी और क्रेडिट कार्ड था और 15-20,000 रुपये थे। आपके क्या लगते हैं? हमारे जो मित्र हैं, डॉक्टर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में हमारे मित्र लगते हैं।